भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में दो सरकारें रही हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार। इन दोनों सरकारों के मंत्रियों के दामन पर उंगली उठाकर कोई नहीं कह सकता कि कोई दाग लगी हुई हो, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो। कांग्रेस की सरकार आपने देखा है, बराबर भ्रष्टाचार के आरोप, यहां तक कि उनके मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई जांच। बहनों भाइयों, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राम प्रकाश गुप्त जी भी यहां मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच हुई? हम तो प्रतिपक्ष में थे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे? इतना ही इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चलता है मेरे बहनों भाई, परिवार भी बिना लोकलाज के नहीं चलता है, लोकतंत्र भी बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है। आरोप यदि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का लग जाए, मैं अपने बारे में कहता हूं, जिस दिन आरोप लग जाएगा प्रथम दृष्टया केवल आरोप सिद्ध होना चाहिए, कभी कभी अनावश्यक लोग आरोप लगा देते हैं। प्रथम दृष्टया आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, बहनों भाइयों, इस राजनीति को ठोकर मारकर बैठ जाऊंगा, फिर मैं लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर नहीं आऊंगा। आरोप मुक्त होने पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, आरोप जब तक रहे जनता के सामने मत जाइए, मेरा साफ यह मानना है। लेकिन अब जैसी राजनीति इस देश में चल रही है,